दोस्तों पूरी दुनिया आरोप लगा रही है कि बेईमानी करके अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। जोनाथन ट्रॉट के इशारे के बाद गुलबदीन नाइब ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरा हंगामा मचा हुआ है। अब अफगानिस्तान की जीत के बाद तालिबान के कमांडर हबीतुल्लाह अखुंदाजा का बड़ा बयान सामने आया है। बेईमानी को लेकर गुस्से में हबीतुल्लाह ने जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक बेहद ही रोमांचक और सनसनीखेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को जीतकर अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में कदम रखा है। इधर अफगानिस्तान ने जैसे ही सेमीफाइनल में कदम रखा, उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, लोग ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने बेईमानी करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अफगानिस्तान की टीम ने यह मुकाबला तो वैसे 8 रनों से अपने नाम किया। मुकाबले में राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए। नवीन उलहक ने 4 विकेट लिए, लेकिन जोनाथन ट्रॉट के इशारा करने के बाद गुलबदीन नाइब ने क्रैम करने का बहाना किया। अब इसको ही मुद्दा बनाकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि अफगानिस्तान की टीम ने बेईमानी किया है। लेकिन अब अपनी टीम का बचाव करते हुए और सबका मुंहतोड़ जवाब देते हुए तालिबान के कमांडर हबीतुल्लाह अखुंदाजा ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम की जीत की किसी को खास खुशी है नहीं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया क्या बोल रही है। हमारे लड़कों ने कमाल खेला है, उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। ये जीत उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हमारी टीम आगे बढ़ रही है तो उस पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बेहद ही दुखद बात है। हमारी टीम ने कोई बेईमानी नहीं किया है, हमारी टीम ने लड़कर जीता मुकाबला है। राशिद खान से लेकर हमारी पूरी टीम को अप्रिसिएट करना चाहिए, तो दुनिया मजाक बना रही है, बेईमानी का आरोप लगा रही है। जो लोग बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं वो घटिया बातें बंद कर दें, नहीं हमें ही कुछ करना होगा। हम अपनी टीम की जीत से बेहद खुश हैं और सभी खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपनी टीम की किस तरीके से तारीफ करें, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। दोस्तों अफगानिस्तान के कमांडर तो बेहद गुस्से में दिखाई दिए, उन्होंने जिस तरीके से बेईमानी करने वालों की लताड़ लगाई है और गुस्से में ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें कुछ कार्रवाई करनी होगी, तो ये मुद्दा अब काफी बड़ा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में अफगानिस्तान ने बेईमानी की है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।